नमस्कार। जाने अनजाने में हम माता पिता कई बार अपने ही संतान के चरित्र के बारे में, उनके सफलताओं के बारे में या उनके भविष्य के बारे में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं है, किंतु कभी कभी हम अपसेट होकर, व्याकुल होकर या कभी निराश होकर या क्रोध में या आवेश में अपना आपा खोकर, तो कभी कभी कुछ विवशता से तंग आकर नकारात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी संतान का लालन पालन, तालीम, पालन पोषण और शिक्षा का दायित्व अभिभावक बहुत ही निष्ठापूर्वक निभाते हैं, किंतु कभी कभी अभिभावक यानी माता पिता की अपेक्षा का अधूरा रह जाना या कभी अपने ही अतीत के कठोर अनुभवों के कारण या कभी भविष्य के प्रति स्वयं में ही संदेह भरा दृष्टिकोण होने से अभिभावक संतान में या संतान की तालीम या शिक्षा से असंतुष्ट अनुभव करते हैं। आज हम स्वयं के साथ फिर से सामंजस्य स्थापित करेंगे और एक सबल सकारात्मक भविष्य के प्रति स्वयं को और अपनी संतान को आश्वस्त करेंगे। आप चाहे तो मेरे साथ यहाँ प्रस्तुत अफर्मेशन को साथ में दोहरा सकते हैं। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे स्वयं के भीतर के सभी इम्परफेक्शन और स्वयं की सीमाओं का स्वीकार है। हर काम में स्वयं और हर कोई हर समय परफेक्ट होना चाहिए, इस आग्रह से अब मैं मुक्त हूँ। मैं स्वयं की आलोचना के लिए तैयार हूँ। मैंने यह जाना है कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ और मेरी संतान परिपूर्ण ही हो, ऐसा मेरा आग्रह आज से मैंने त्याग दिया है। मैं स्वयं को और मेरी संतान को हम दोनों जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं के और मेरी संतान के गुण और दोष दोनों को स्वीकार करते हुए इस सहजीवन से खुश हूँ। मेरी संतान मेरा गर्व है, मेरी हिम्मत है। मेरी संतान दुनिया की सबसे सुंदर और विवेकशील व्यक्ति है। मेरी संतान का जन्म इस पृथ्वी पर समग्र सुख सुविधा सफलता
और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। उसका जीवन, उसका भविष्य निश्चित ही उत्कृष्ट है। अब बिना किसी शर्त अपने संतान को प्रेम करने का मुझे आनंद मिल रहा है। मुझे मेरे संतान की बुद्धि, कौशल्य और विवेक पर संपूर्ण विश्वास है। मेरा और मेरी संतान की आपसी समझ और तालमेल अद्भुत है। हम कई जगहों पर एक दूसरे से असहमत भी होते हैं, फिर भी हम दोनों में ही एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है। हम आपस में प्रेम और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। हम हमेशा ही एक टीम के जैसे परिवार में रहते हैं। हम एक दूसरे की कमियों के पूरक बन जाते हैं। और एक दूसरे के गुणों को अधिक खिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम एक दूसरे के प्यार के काबिल हैं। हम स्वयं की जिम्मेदारियों को अच्छे से और खुशी से निभाते हैं। हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। हम एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं। मुझे स्वयं पर विश्वास है। मुझे अपने एक अच्छे अभिभावक होने पर गर्व है। एक अच्छे माता पिता में जो गुण होने चाहिए वह सारे गुण मुझ में है। और एक आदर्श संतान में जो गुण होते हैं वे सारे गुण मेरी संतान में है। मैं एक अभिभावक के रूप में एक संतुष्ट और सफल व्यक्ति हूँ। मैं अपने भूतकाल के सभी पक्षपात और पूर्वाग्रहों से बाहर निकलकर एक अद्भुत वर्तमान को अपनी संतान के साथ जीने के लिए तैयार हूँ। अपनी संतान का नाम लेते हुए कहें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग अ पेरेंट ऑफ। हम अपनी संतान के माता पिता होने का गर्व अनुभव करते हैं। हम कृतज्ञ हैं कि हमें ईश्वर ने संतान का वरदान दिया है।